वहीं भिलाई में भूमाफियाओं ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए सैकड़ों पेड़ काट दिए हैं। मामला वार्ड क्रमांक 25 के बॉम्बे आवास का है, जहां दिन दहाड़े 400 पेड़ों को काट दिया गया, जिसकी शिकायत रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से भी की, लेकिन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे रहवासियों में आक्रोश है। इसमें क्या है, हम लोग करीब 10-12 दिन से इसमें काम कर ही रहे हैं और अपन नगर निगम को शिकायत भी कर रहे हैं कि यहाँ का पेड़ काटा जा रहा है। नगर निगम इस पर कोई भी कार्रवाई कर नहीं रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग सर नगर निगम का घेराव करेंगे नोहर भैया के नेतृत्व में, और सर अपन ये चाहते हैं कि अब पेड़ दोबारा यहाँ कटाई मत हो। लगभग यहाँ से 400-500 पेड़ काट दिया गया है लगातार सर। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगभग बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया है, जिसकी शिकायत जवाहर नगर वासियों द्वारा और यहाँ रहने वाले बॉम्बे आवास के लोगों द्वारा प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पेड़ों को पूरा जड़ के साथ में उखाड़ के कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा, हो सकता है कि पेड़ माफिया बोला जाए उनको, भूमाफिया का प्रयास तो किया गया जमीन को कब्जा करने का, लेकिन पेड़ माफिया का यहाँ पे गिरोह सक्रिय हो चुका है, जो यहाँ के लगभग 17 एकड़ जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जो छाया देते हैं उनको काटने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड पार्षद नोहर वर्मा भैया ने बताया कि 400 से अधिक पेड़ों को कटाई किया गया है और 4 ट्रक में भर के उस लकड़ी को ले गया है। इस एरिया में पहले भूमाफिया तो थे ही थे, अब लकड़ी माफिया भी सक्रिय हो गए हैं कि अवैध रूप से लकड़ियों को काट कर रात के अंधेरे में, सुबह के जो भोर का समय है उसमें ये लोग लकड़ियों को काट रहे हैं। सिर्फ यही का बात नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में आसपास के 4-5 वार्ड जो हैं इन सभी में लकड़ियों को काट कर इन लोग लेके जा रहे हैं।